समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय होते हुए बलान नदी बेगूसराय जिले के बछवारा, मंसूरचक एवं तेघरा प्रखंड के कई हिस्सों में प्रवाह करती है। हाल के कुछ वर्षों में गंदगी की वजह से एवं अन्य कारणों से बलान नदी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, लेकिन इस वर्ष बलान नदी के जलस्तर में एकाएक अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। वर्तमान समय में बलान नदी में पानी आने की वजह से भगवानपुर प्रखंड के बनहारा, धनकौल एवं वीरपुर प्रखंड के तेलन एवं जोकिया में स्थित गंभीर बनी हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित बनहारा धनकोल पुल के समीप बनहारा घाट पर बनी हुई है, जहां पर बलान नदी का पानी अब सड़कों पर भी आना शुरू हो गया है। अगर पानी का रफ्तार यहीं रही तो करीबन 10 गांव का संपर्क अनुमंडल मुख्यालय से टूट जाएगा। हालांकि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने तेघरा SDM सहित बाढ़ नियंत्रण विभाग को निर्देश देते हुए कहा है कि बलान नदी पर बने जमींदारी बांध में जहां भी बांध जर्जर स्थिति में हो उन्हें तत्काल मरम्मत किया जाए। हरिराम दास, टुडे बिहार न्यूज, बेगूसराय। बनहारा गांव त्रस्त है, इससे लगभग 2 फीट पानी डेली बढ़ रहा है। अगर इस तरह स्थिति रहा तो कितने घरों में पानी घुस जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएंगे। जबकि ये बनहारा धनकौल पुल इधर 10 गांव के लिए, बरौनी तेघरा के लिए मुख्य मार्ग है, पूरी तरह बाधित है। पानी आ जाने से सड़क भी जहां तहां नष्ट हो गया है, आदमी को आने जाने में असुविधा हो रही है। कभी भी कोई अप्रिय दुर्घटना हो सकती है, जिस तरह से सड़क क्षतिग्रस्त हो गया है। बनहारा पहले से टापू नुमा गाँव है, अगर इस तरह से पानी बढ़ा तो बनहारा चारों तरफ पानी से घिर जाएगा, लोगों को जान माल की असुविधा खतरा होगा।